दिस इज एन सी आर टी सॉल्ड क्वेश्चन क्वेश्चन इज फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज फोन्ड बाई द लेंस कम्बिनेशन गिवन इन दिस फिगर तो ये हमें थ्री लेंसेज की एक कम्बिनेशन गिवन है जहाँ पे ओ इज द ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी ये हमें कैलकुलेट करनी है अब यहाँ देखो लेंस वन लेंस थ्री ये तो हमें पता है यह दोनों लेंस हैं कन्वैक्स लेंस अब यह जो अजीब सा लेंस है अब यह कौन सा लेंस है तो ये हम देखेंगे ये सिंपल एक कनकेव लेंस से बने है। अब ये हमारा कनकेव लेंस होता है जिसकी आर वन एंड आर टू दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती हैं इनकी कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी लेकिन अगर हम किसी एक रेडियस की वैल्यू को कर दें इनफाइनाइट तो वो कुछ इस तरह प्लेन हो जाएगा लाइक अ प्लेन मिरर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट तो ये इस शेप में आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं प्लेनो कनकेव लेंस और ऐसे ही प्लेनो कन्वेक्स लेंस होते हैं जब हम किसी कन्वेक्स लेंस को उसकी एक साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर को इनफाइनाइट कर दें तो ये बन जाएगा प्लेनो कन्वेक्स लेंस तो अब देखो हम इस कम्बिनेशन से स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे तो पहले हम फर्स्ट केस ले लेंगे लेंस वन फोर लेंस वन अब फर्स्ट लेंस ही है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हमें कुछ नहीं करना तीनों लेंस हैं तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे लेंस फार्मूला लेंस फार्मूला क्या होता है वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ जहाँ पे वी होता है पोजीशन ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज फोकल लेंथ वेयर फोकल लेंथ हमें तीनों लेंस की गिवन है नाउ फॉर फर्स्ट केस वी हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन मार्क एंड यू यू होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अब इस लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है थर्टी सेंटीमीटर और साइन क्या लेंगे हम बिकॉज ये एंस के लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट साइड के हम सारे डिस्टेंस लेंगे नेगेटिव में एंड राइट साइड लेंगे हम पॉजिटिव तो लेफ्ट साइड आ गया इक्वल टू माइनस थर्टी सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ हमें गीवन है फर्स्ट लेंस की टेन सेंटीमीटर तो अब यहाँ यूजिंग फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करूँगी वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ तो यहाँ से वी कैलकुलेट कर लेंगे वन बाय वी इज इक्वल टू वन बाय टेन माइनस वन बाय थर्टी नौ इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर तो डायरेक्ट आ गया टू बाय थर्टी तो यहाँ से इमेज डिस्टेंस आ गया फिफ्टीन सेंटीमीटर या देखो डिस्टेंस हमारा है पॉजिटिव साइन इट मीन्स इस लेंस के राइट साइड बनेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर तो ये 15 सेंटीमीटर आएगा 5 प्लस टेन तो इस पॉइंट पे इमेज बनेगी तो हम यहाँ को ड्रॉ कर सकते हैं तो हमारा रे डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा इमेज बननी चाहिए यहाँ पे लेकिन इस लेंस की वजह से हम डायरेक्ट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते ये बनेगी वर्चुअल इमेज नाउ फॉर सेकेंड लेंस फोर लेंस टू अब इसमें क्या होगा यही इमेज जो लेंस वन की है वो इस लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी तो यू की वैल्यू क्या आएगी ये इस लेंस से टेन सेंटीमीटर है राइट right साइड तो यू आ गया प्लस टेन सेंटीमीटर फोकल लेंथ हमें गिवन है इस लेंस की माइनस टेन सेंटीमीटर एंड वी वी हम कैलकुलेट करेंगे तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे वन बाई वी माइनस वन बाई यू इजिकल टू वन बाई एफ तो यहाँ से हमारा आ गया वी इजिकल टू इन्फाइनइट तो इस लेंस से अगर ये ऑब्जेक्ट को लें तो इसकी इमेज कहीं इन्फाइनइट बनेगी वी इजिकल टू इन्फाइनइट अब थर्ड लेंस के लिए सेकेंड लेंस की जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी

इजिक्ल टू वन बाय थर्टी तो यहाँ से वी हमारा आ गया ये तो टर्म जीरो हो जाएगी सो वी इज प्लस थर्टी सेंटीमीटर इस लेंथ से इमेज बनेगी एट द डिस्टेंस ऑफ थर्टी सेंटीमीटर तो फाइनल इमेज बनेगी इस पूरे कॉम्बिनेशन की इस साइड और अगर एक पॉइंट ऐड करके वो आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि इस ऑब्जेक्ट से कितने डिस्टेंस पे बनेगी फाइनल इमेज तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं थर्टी प्लस फाइव थर्टी फाइव प्लस टेन फोर्टी फाइव प्लस थर्टी सेवेंटी फाइव तो अगर वो पूछे कि ऑब्जेक्ट से कितना डिस्टेंस है इमेज का तो आ जाएगा वी डिस्टेंस इज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट तो आपको ऐसे क्वेश्चन देके डरना नहीं है बस लेंस है तो लेंस फार्मूला लग जाएगा अगर इस लेंस की जगह आपको मिरर दे देता तो उस थर्ड लेंस की जगह या मिरर फार्मूला लग जाता सो दिस इज़ योर आंसर अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू